Hello my dear students, this is Aminul and once again with the chapter function, and today's topic is composition of function. Before going to the main discussion of composition of functions, let's take an example, real life example lete hain, and with that example I will try to explain the composition of function, right? So maan lo ki do friend hai aur ye dono friend Kolkata se Delhi jana chahta hai. Friend ko डायरेक्टली कोलकाता से दिल्ली का टिकट मिल गया और दूसरे को कोलकाता से दिल्ली का डायरेक्टली टिकट नहीं मिला. उसने क्या किया, उसने कोलकाता से पटना तक एक टिकट किया और पटना से फिर दिल्ली तक एक टिकट किया, राइट? सो देखो दोनों फ्रेंड ही कोलकाता से दिल्ली जाएगा, लेकिन सिर्फ इन दोनों का प्रोसेस अलग. अब देखो जिसको टिकट नहीं मिला, डायरेक्टली टिकट नहीं मिला, वो क्या करता है, कोलकाता से पटना जाता है और फिर से पटना से दिल्ली जाता है. और जिसको डायरेक्टली टिकट मिल गया वो क्या कर रहा है, कोलकाता से डायरेक्टली दिल्ली जाता है. यही है कंपोजिशन फंक्शन का काम. अगर इसको हम एफ से डिनोट करें, एफ एक फंक्शन, और इसको हम जी से डिनोट करें, सो एफ और जी ये दोनों मिलकर जो काम कर रहा है, यहाँ पर जो कंपोजिशन फंक्शन मिलेगा वो एक ही फंक्शन डायरेक्टली वो काम कर देगा, राइट? और उसको हम लिखेंगे कैसे, उसको लिखेंगे, देखो यहाँ पर पहले क्या है, एफ है और फिर जी है, तो पहले एफ को लिख लो और दूसरा वाला जो सेकेंड में काम करता है उसको लेफ्ट साइड में लिखो, सो ए वाला. और इसको कॉम्पोजिशन का जो एक साइन होता है वो है ए वाला कॉम्पोजिशन साइन, राइट? सो ए हो गया जी कॉम्पोज ए. चलो अब डेफिनेशन नाउ लेट्स लर्न द डेफिनेशन. सो डेफिनेशन इज लेट एफ फ्रॉम ए टू बी एंड जी फ्रॉम बी टू सी बी टू फंक्शंस. ये दोनों फंक्शन है एफ और जी. देन द कॉम्पोजिशन ऑफ एफ एंड जी डिनोटेड बाय जी कॉम्पोज एफ, रीड इट एज जी कॉम्पोज एफ, राइट, is defined as the function. ये एक function है, right? और वो function कहां से कहां है, उसका domain क्या है, उसका domain है A और उसका codomain है C. G compose F of X equals to G of F of X, right? So first of all you have to find the Fx, then you have to find the G of Fx, right? So इसको हम लोग illustrate कैसे करेंगे, इसको break कैसे करेंगे, वो next बार जब example लेंगे तब वहां पर वो सारी चीजों clear हो जाएगा. और एक बात कि यहां पर जिस सिर्फ दो फंक्शन होगा, ऐसा कोई बात नहीं, दो फंक्शन से ज्यादा भी हो सकता है, तब उसको हम लोग जी कॉम्पोज एफ कॉम्पोज एच ऐसे लिखते हैं. और भी ज्यादा अगर हुआ, यहाँ पर मान लो कि और भी एक कुछ फंक्शन है, मान लो कि ए है, उसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, राइट? सो ये सारे चीजें क्या होता है, अगर ऐसा हुआ मान लो कि तीनों फंक्शन है, तो देखो जब दो फंक्शन था तब उसको हम जी ऑफ एफ ऑफ एक्स लिखते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे, जी ऑफ एफ ऑफ एच ऑफ एक्स, राइट? सो दिस इज द कॉम्पोजिशन ऑफ थ्री फंक्शन, राइट? इसको हम उल्टा करके भी लिख सकते हैं, राइट? सो इंडिया में जब फॉग चल रहा है तो फॉग को भी लिखेंगे, यहाँ पर गॉफ है, फॉग भी लिखते हैं. चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं. नाउ लेट्स कंसीडर दिस एग्जांपल. लेट एफ बी ए फंक्शन फ्रॉम आर टू आर. दिस इज रियल नंबर, दिस इज ऑल्सो रियल नंबर, राइट? बी ए फंक्शन गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस टू, राइट? एंड अनदर फंक्शन जी, एंड दिस For this function also the domain and codomain both are real number, right? Another function given by f of g of x equals to x minus 1, right? Then you have to find g compose f of x and f compose g of x, and also find g compose f of 3, right? So ये सारे चीजों तुमको find करना है. अब देखो ये जो function है f, वो real number से पहले real number ही जाता है, तो ये पहला वाला हो गया f function, right? So, मान लो कि ए रियल नंबर है, ए भी रियल नंबर है, और थर्ड वाला जो एक और एक सेट है, ए भी रियल नंबर सेट है और ए आर है, लेकिन यहां से यहां पर जो फंक्शन है वो है जी, राइट? अब देखो डायरेक्शन देखो, पहले एफ आर से आर जाता है, फिर उसके बाद आर से आर जाता है जी. तो ए वाला जो डायरेक्शन है, जब कॉम्पोजिशन का हम लिखेंगे तो डायरेक्शन चेंज करके लिखेंगे. फंक्शन गोज डायरेक्टली फ्रॉम दिस आर टू दिस आर, एंड दिस फंक्शन विल बी जी कॉम्पोज एफ. देखो पहले यहाँ पर एफ था, नेक्स्ट में जी था, लेकिन जब कॉम्पोज लिखेंगे तब पहले जी लिखेंगे उसके बाद एफ लिखेंगे. यहाँ पर और भी एक, मान लो कि यहाँ पर और भी एक फंक्शन रहता, कि मान लो कि यहाँ पर एच है, तो ओ वाला एच ओ लास्ट में आ जाता, राइट? यहाँ पर हो जाता है एच कॉम्पोज जी कॉम्पोज एफ. सो इधर राइट साइड से हम लोग लिखेंगे, राइट? मैंने चेंज कर दिया, जो आर टू आर इधर था उसको मैंने चेंज करके इधर कर दिया, राइट?
और जो डायरेक्शन इधर था उसको भी चेंज करके इधर कर दिया, और जो डायरेक्शन इधर था इसको भी चेंज करके इधर लिख दिया, राइट। तो इस वक्त जब लिखेंगे तब इसको एफ कॉम्पोज जी लिखेंगे, राइट, एंड दिस विल बी द एफ कॉम्पोज जी, राइट। सो जब डायरेक्शन चेंज हो जाता है तब जाके वो फॉग बन जाता है, और अगर इधर से लिखते हैं तो गॉफ बन जाता है। हम लोगों को क्या फाइंड करना है, जी कॉम्पोज एफ। सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ द कॉम्पोजिशन फंक्शन, जी कॉम्पोज एफ, इसको हम क्या लिख सकते हैं, जी कॉम्पोज एफ ऑफ एक्स। डेफिनेशन में क्या दिया था, यहाँ पर इसको तुम लिख सकते हो कि जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, राइट राइट दिस वन। अब देखो जी का जो डेफिनेशन दिया हुआ है, जी का डेफिनेशन क्या बता रहा है, जी जो फंक्शन है यहाँ पर, ये जो फंक्शन यहाँ पर है, एक क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पर जो एक्स लिखा हुआ है वही एक्स यहाँ पर लिखना है और उसके साथ माइनस वन करना है, राइट, यही हो जाएगा। मतलब यहाँ पर विद इन ब्रैकेट जो चीज यहाँ पर लिखा होगा वही चीज यहाँ पर लिखना है और उससे माइनस वन करना है, राइट। यहाँ पर जोधु मधु राम रिया रिमा ऋतु कुछ भी हो जाए, इसी चीज को, सेम चीज को यहाँ पर लिखेंगे और उसके साथ नेगेटिव वन करेंगे, राइट। सो चलो वही लिखते हैं, अगर इसी को माना जाए तो यहाँ पर जी के अंदर यहाँ पर क्या है, एफ ऑफ एक्स है। सो जो चीज है उसको पहले लिखेंगे, सो एफ ऑफ एक्स मैंने लिख दिया और उसके साथ नेगेटिव कितना है, नेगेटिव वन। सो ए हो गया नेगेटिव वन। सो दिस इक्वल्स टू, अब देखो एफ ऑफ एक्स डेफिनेशन ऑलरेडी गिवन है, राइट। सो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू कितना है, एक्स प्लस टू है। सो एक्स प्लस टू मैंने लिख दिया और उसके साथ नेगेटिव वन है। सो दिस इक्वल्स टू कितना हुआ अल्टीमेटली, एक्स प्लस वन। सो जी ऑफ जी कॉम्पोज एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस टू, ये जो डेफिनेशन मुझे चाहिए था वो मिल गया। एंड द सिमिलर प्रोसेस यू कैन फाइंड हियर एफ कॉम्पोज जी, राइट। सो इफ वी फाइंड दिस एफ कॉम्पोज जी, सो एफ कॉम्पोज जी ऑफ एफ्स एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एंड द सेम थिंग वी विल अप्लाई हियर, सेम चीज मुझे यहाँ पर अप्लाई करना है। एफ देखो यहाँ पर क्या लिखा है, एफ के यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है उसी को यहाँ पर बाहर में लिखना है और उसके साथ टू एड करना है। यहाँ पर अगर अमीनुल लिखा होता, अमीनुल, सो ये क्या हो जाता, अमीनुल प्लस टू हो जाता, राइट। सो अगर यहाँ पर एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है तो पहले कितना लिखेंगे, जी एक्स लिखेंगे और उसके बाद टू एड कर देंगे, राइट। सो दिस इक्वल्स टू, देखो जी एक्स कितना है, जी एक्स ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है, जी एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस वन। सो पुट हियर एक्स माइनस वन प्लस टू, सो दिस इक्वल्स टू एक्स प्लस वन। अल्टीमेटली जी ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ जी ऑफ एक्स बोथ आर सेम, राइट। लेकिन ये बात नहीं कि हर जगह में ये सेम होगा, कितने सारे एग्जाम्पल्स है जहां पर ए इक्वल नहीं होगा। चलो नेक्स्ट और एक भी एक एग्जाम्पल लेते हैं, वहां पर क्लियर हो जाएगा। एनीवे और भी एक क्वेश्चन यहाँ पर है कि तुम लोगों को क्या फाइंड करना है, जी ऑफ एफ ऑफ थ्री। सो जी ऑफ एफ ऑफ थ्री, इधर देखो जी ऑफ एफ ऑफ जब एक्स था तब यहाँ पर मिला कितना, एक्स प्लस वन, राइट। मतलब यहाँ पर जो होगा वही चीज, सेम चीज यहाँ पर लिखना है और उसके साथ वन एड करना है। अब देखो g ऑफ f ऑफ कितना है, 3, मतलब यहाँ पर हमको लिखना है कितना, 3, एंड द सेम थिंग यू हैव टू डू हियर इन द राइट साइड। सो 3 के जगह कितना लिखना है, 3, सो 3 प्लस 1 इज हाउ मच, सो 4, सो दिस इज द आंसर। ओके नेक्स्ट एग्जांपल, चलो इसी सेम एग्जांपल को नेक्स्ट एग्जांपल बना लेते हैं। सो सपोज दिस वन इज 2x प्लस 2, सपोज दिस वन इज 2x प्लस 2, एंड फॉर दिस एग्जांपल वी विल फाइंड f कॉम्पोज g एंड g कॉम्पोज f, राइट। तो चलो फाइंड करते हैं एफ कॉम्पोज जी क्या मिलता है। सो एफ कॉम्पोज जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ कॉम्पोजिशन एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, राइट दिस वन। सो देखो इधर एफ के अंदर यहाँ पर जो लिखा है वही चीज, सेम चीज टू के साथ मल्टीप्लाई करना है और टू एड करना है। ये यहाँ पर जी एक्स लिखा है, क्या लिखा है कुछ नहीं देखने का, जो भी चीज यहाँ पर लिखा है उसके साथ टू मल्टीप्लाई करेंगे और टू एड करेंगे, यही बात है ना। तो चलो वही करते हैं, सो टू इंटू जी एक्स कर दिया और उसके साथ टू जोड़ दिया, राइट। सो दिस इक्वल्स टू टू इंटू, अब देखो जी एक्स इज गिवन हियर, जी एक्स इज हाउ मच, एक्स माइनस वन, सो टू इंटू एक्स माइनस वन प्लस टू, सो दिस इक्वल्स टू हाउ मच, टू एक्स माइनस टू प्लस टू, दैट मीन्स ओनली टू एक्स हियर, राइट दिस वन।
अब चलो दूसरा वाला निकालते हैं, g कॉम्पोज f ऑफ x, सो दिस इक्वल्स टू g ऑफ f ऑफ x, राइट? सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ g, g का यहां पर जितना लिखा होगा सेम चीज लिखेंगे और वन सबट्रैक्ट करेंगे, राइट? सो यू हैव टू क्या किया, f ऑफ x वही सेम चीज बाहर में लिखेंगे और सबट्रैक्ट करेंगे कितना, वन, राइट? दिस वन। सो अब देखो यहां पर एफ एक्स गिवन है, एफ एक्स कितना है, 2x plus 2 है, so you can write here 2x plus 2 लिख दे fx के लिए और minus 1 already है, minus 1, so this equals to 2x plus 1, so देखो यहाँ पर f compose g मिला है 2x, लेकिन यहाँ पर देखो g compose f इधर जो मिला है वो है 2x plus 1, and for this reason you can't say that f or f compose g is always equals to g कॉम्पोज f, ये दोनों हर वक्त इक्वल होगा इसका कोई मतलब नहीं, कभी इक्वल भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है, राइट? फॉर दिस केस दिस इज नॉट इक्वल। चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू गाइस।